हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में TM सेस क्रीम के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। TM सेस क्रीम का मुख्यतः तो उपयोग स्किन इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस ऑइंटमेंट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये ऑइंटमेंट कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इस ऑइंटमेंट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस ऑइंटमेंट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपके स्टूडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर देखिए। सिस्टोपिक लेबोरेटरीज कंपनी की ये 10 ग्राम की क्रीम आपको मेडिकल स्टोर पर ₹130 में मिल जाएंगी। दोस्तों, यह ऑइंटमेंट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के सलाह और प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाला ऑइंटमेंट है। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। यम सेस क्रीम में मुपिरोसिन IP 2% यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद मेपिरोसिन यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है। यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक प्रोटीन को बनने से रोकता है, जो स्किन इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इससे बैक्टीरिया किल होकर स्किन इन्फेक्शन बढ़ने से रुकता है। बात करते हैं इस ऑइंटमेंट के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इसे स्किन में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। इसे इम्पेंटिगो की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इम्पेंटिगो यह बाहरी त्वचा के परत में होने वाली समस्या है, जिसे एपिडर्मिस भी कहते हैं। यह चेहरे, हाथ और पैरों की त्वचा में सबसे अधिक होती है। यह किसी भी सामान्य आदमी को हो सकती है, लेकिन यह ज्यादातर 2 से 5 साल के उम्र के बच्चों में होना बेहद आम बात है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसे स्किन इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इसे लाल घाव होना, बार बार फोड़े आने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस ऑइंटमेंट का अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस से इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल अन्य समस्या को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को बताकर इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करने का तरीका उनसे पूछ ले। इसे अपने मन से घर पर यूज न करें। इसे यूज करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर ले। इस क्रीम को इन्फेक्शन वाली जगह पर लगा दे। इस क्रीम को आप डॉक्टर की सलाह से 3 से 5 दिनों तक यूज कर सकते हैं। इस क्रीम को 10 दिन से ज्यादा यूज ना करें। उसके बाद भी अगर आपका इन्फेक्शन ठीक ना हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। साइड इफेक्ट इस ऑइंटमेंट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस ऑइंटमेंट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस ऑइंटमेंट के इस्तेमाल से आपको एलर्जी, खुजली, जलन, लाल चटक के होना, खांसी, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस ऑइंटमेंट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस ऑइंटमेंट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस ऑइंटमेंट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस ऑइंटमेंट का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य क्रीम, मेडिसिन, टैबलेट ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। इस वजह से इस ऑइंटमेंट का ड्रग इंट्रैक्शन होने की संभावना कम होती है। अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई अन्य प्रॉब्लम या समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं ये ऑइंटमेंट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। इस ऑइंटमेंट को अपने मन से घर पर ज्यादा दिन तक यूज न करे। इसे अपने डॉक्टर की सलाह से ही यूज करे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।